हैं कि फिक्स कर सकें इसको हम, और इस टूल में तो नहीं है बिल्कुल ही। तो आप देख सकते हैं, मैं दो टूल आपको मैंने दिखा दिया, और हम एक और टूल ट्राई कर लेते हैं, UMT। खैर UMT का अब पंडोरा से कोई मुकाबला नहीं है ये, लेकिन फिर भी UMT अपनी जगह बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा बॉक्स है। अब ये देख रहे हैं कि जो हम ये जो ऑप्शन आया है UMT में, एक नया फंक्शन है फिक्स रिकवरी का, उसका भी आपको यूज चेक करके देख सकते हैं कि क्या ये फिक्स रिकवरी इस UMT ने जो ऑप्शन दे रखा है वो काम का है या नहीं। तो अभी हमने इसको रिमूव कर दिया है पंडोरा को, और सिर्फ UMT डोंगल लगाया है। तो UMT का हम इस वाले टूल से भी ट्राई कर लेते हैं, जो इसका MTK टूल है, इससे हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये ऑन हो चुका है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। अब इसने डाटा कितना सेव किया वो देखो। देखो हमने अनलॉक टूल से काम किया, अनलॉक टूल ने अपना काम किया, लेकिन सेट रिकवरी मोड पे फंस गया जाके। वहाँ पे वाइपिंग की उसने, वाइपिंग लास्ट में जाके रुक गया, फिर रीस्टार्ट किया, फिर ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, फिर ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। बट फाइनली थोड़ा सा हमें डेटा का इस हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। AK इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है, आप देख सकते हैं हमारे पास एक ओप्पो का हैंडसेट है, इसमें पैटर्न लॉक है। तो आप पैटर्न लॉक कैसे हटाएंगे उसके ऊपर वीडियो है, और ख़ासकर इसमें पैटर्न लॉक तो है, हमें डेटा सेव करना है कस्टमर का, तो वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डेटा आप सेव करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ आप इसमें सेव हो सकती है। देखिए सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं, ये ओप्पो का हैंडसेट है। अगर आपको नए कस्टमर हो, आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर मॉडल, आपको आइडिया नहीं आ रहा, गूगल लेंस वगैरह में भी आपने ट्राई कर लिया फिर भी नहीं आ रहा, तो ओप्पो और रियलमी के जो हैंडसेट का मॉडल नंबर जानने के लिए देखिए यहाँ पर एक इमरजेंसी का ऑप्शन शो कर रहा है। इस इमरजेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करें आप। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कोड टाइप करना पड़ेगा आपको, *#899#। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर वर्जन आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा। देखिए CPH2239 आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको यहाँ पे डालोगे तो आपको दिख जाएगा ये कौन सा मॉडल है। CPH2239 जो ये है, ये ओप्पो का हैंडसेट है, ये ओप्पो A54 मॉडल है। तो आप कैसे अनलॉक करेंगे इसको विदाउट डेटा लॉस, वो आपको हम बताएंगे। आप अपने क्या करना है, सबसे पहले स्विच ऑफ करना है, और आपके पास टूल कौन सा है, अगर अनलॉक टूल है UMT है तो आप किसी से भी आप डेटा सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको अनलॉक टूल के जरिए बता देता हूँ डेटा कैसे सेव करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अनलॉक टूल को ओपन करना है, थोड़ा टाइम लेगा ये ओपन होने में, वेट करें। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, ये टूल थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर आपके नेट की स्पीड कम है तो थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर ज़्यादा लेंगे, नेट की स्पीड अच्छी है तो टाइम नहीं लेंगे। देखिए टाइम ओपन हो चुका है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ओप्पो में गए यहाँ पे, इसका मॉडल नंबर डालना है ओप्पो में, और थोड़ा वेट करें। यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद मॉडल नंबर, जैसे हमारा A54 था तो हमने A54 डाल दिया। A54 आपने सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेव फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं सेव फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उससे पहले हम एक बार पोर्ट चेक कर लेते हैं, इसमें पोर्ट कौन सा बना रहा है। देखिए मैंने प्री लोडर मोड देख क्लिक है, तो सबसे पहले अगर आप टेक्नीशियन है, ये चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि पोर्ट बना कौन सा रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें, तो एक बार हम अप एंड डाउन दोनों प्रेस करके इसको केबल से कनेक्ट कर देते हैं। अगर पी लोडर बना रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपने क्या करना है, डेटा बचाने के लिए सेव फॉर्मेट पर क्लिक करना है। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना, जब भी आप सेव फॉर्मेट पर क्लिक करोगे, कुछ हैंडसेट ऐसे हैं ओप्पो रियलमी के निकल जाएंगे, लेकिन वीवो वगैरह का बिल्कुल भी आपने यहाँ पे इस टूल से अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल भी दावा नहीं करना कि हम डाटा बचा के देंगे। हाँ, अगर आपको डेटा बचाना है, बहुत सारे हैंडसेट ऐसे हैं रेडमी के 9A 9C 9 Pro, जितने भी हैंडसेट हैं, अगर आपको डेटा बचाना है तो इस टूल से नहीं होंगे, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपको डेटा सेफ बचाना बताएँगे, चाहे वो आपके कोई भी हैंडसेट हो। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको सभी हैंडसेट का डाटा बचा देंगे। हाँ, जितने भी अभी रेडमी के हैंडसेट है, चाहे वो 9 हो, 9A हो, चाहे वो सैमसंग के हैंडसेट हो, कुछ ऐसे ट्रिक हम आपको बताते हैं जिसके थ्रू आप पूरा पैटर्न ही पता कर लोगे उस बंदे का क्या है। तो मतलब जैसे अभी इस टूल से हम काम करेंगे तो ये डेटा तो बचा देगा,
लेकिन हो सकता है आपके ऐप वगैरह सब उड़ा देगा। तो हम जो ये डेटा बचाएगा सिर्फ गैलरी का बचाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ सेव फॉर्मेट पे क्लिक करके इसको कनेक्ट कर देना है, प्लस माइनस दबा के। जैसे आप इसको कनेक्ट करते हैं तो अब ये देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, थोड़ा टाइम लेगा ये। देखिए हाँ डन हो चुका है, देखिए यूजर आप ओके हो चुका है। अब इसको ऑन कर लेते हैं हम। अब देखिए इसको ऑन होने दीजिए आप, जब तक आप देखते हैं कितना डेटा इसने बचाया। थोड़ा टाइम लेता है ये, थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करें इसका ऑन। देखिए एक बार में नहीं हुआ, देखिए अब यहाँ पे सक्सेस तो दिखा देता है इसने टूल ने, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वाइपिंग आ जानी चाहिए थे, नहीं हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टूल ने डन दिखाया लेकिन काम नहीं करा, तो हम क्या करते हैं इसको दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। इसको हम फिर से स्विच ऑफ करते हैं और सेव फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। प्लस माइनस प्रेस किया और कनेक्ट कर देते हैं। देखिए डन हो चुका है, देखते हैं। देखिए डायरेक्ट ऑन हो रहा है, देख सकते हैं वाइपिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखते हैं काम किया नहीं किया इसने। अगर इस टूल से नहीं बचाता तो हम दूसरे टूल की ओर चलेंगे। अब ऐसा कंफर्म नहीं है कि हमें यही टूल सारा कुछ करके देगा, इन केस नहीं आता तो दूसरे टूल की ओर चलेंगे। जब तक देखिए इसने भी नहीं बचाया तो हम एक काम करते हैं, एएमटी की तरफ देखते हैं, एएमटी में ये ऑप्शन है या नहीं है वो भी ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा वेट करें, अगर ये बचाता है तो कितने परसेंट बचाता है वो भी दिखा देते हैं आपको। जब तक एएमटी ओपन हो चुका है, ये भी बहुत अच्छा टूल है, सस्ता टूल है और बहुत गजब का टूल है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है या नहीं है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ओप्पो का हमारा ये हैंडसेट है H1, तो हमने यहाँ से H1 ले लेना है। H1 लेने के बाद यहाँ पे देखते हैं कहीं सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन दे रहा है नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, फिर ब्रेडबोर्ड रिपेयर फैक्ट्री सेटवर का ऑप्शन है, इससे नहीं होगा काम। तो हम एक बार फिर से इसी से अनलॉक टूल से और ट्राई कर लेते हैं। देखिए फिर से हम यहाँ पे गए और सेफ फॉर्मेट पे हम एक बार फिर क्लिक करते हैं और इसको प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए डन बहुत जल्दी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे वाइपिंग नहीं हो रही। देखिए वाइपिंग अगर होने स्टार्ट हो जाती है तो काम हमारा और आसान हो जाता है। देखते हैं रिकवरी मोड पे हमने ले आने की कोशिश करी है। कभी कभी पुराने ट्रिक से जैसे वॉल्यूम डाउन से आप रिकवरी करो तो वाइपिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेट्स सी क्या होता है। देखिए अभी इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, लेकिन फ़ोन हमारा डायरेक्ट ऑन हो रहा था, तो आपको एक और नए ट्रिक सीखने को मिली है यहाँ पे। अभी देखिए डायरेक्ट ऑन होने के बाद पैटर्न पे आ जा रहा था, तो आपको क्या करना है, इसी टूल से अगर काम करना है तो आपने जैसे सेट ऑन होना तो ऑन नहीं होने देता, आपने क्या करना है वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रखना है। जैसे डाउन प्रेस के रख रखोगे तो रिकवरी का ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद ये वाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तभी ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके साथ बहुत होता होगा कि आप काम करते हैं और ये ऑन हो जाता है, पैटर्न नहीं बच पाता इस टूल से, बट ये डन अपना काम कर रहा है टूल। तो हमने क्या किया कि इस पहले के जो पुराने मॉडल थे कुछ ऐसे वीवो वगैरह में भी यही ट्रिक अपनाते थे कि वॉल्यूम डाउन से रिकवरी मोड पर वाइपिंग स्टार्ट होती थी, काम बन जाता था। इसमें भी यही हुआ, हमने कोई वाइपिंग नहीं किया, मतलब वाइप डेटा नहीं करना, आपको सिर्फ वॉल्यूम डाउन प्रेस कर रखना, नीचे रिकवरी आएगा तो अपने आप ही वाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखते हैं इसने क्या क्या डेटा बचाया, डेटा भी बचाया है तो क्या क्या बचाया है वो भी हम आपको दिखाते हैं इसमें। थोड़ा वेट करें, इसको वाइपिंग होने देते हैं, थोड़ा तो टाइम ज़्यादा ले रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिकवरी पर आकर अटक गया, तो एक बार हम दोबारा से वाइप करके देख लेते हैं, सेव फॉर्मेट करके देखते हैं कि सेम कंडीशन पे होगा या नहीं होगा। देखिए स्टक हो चुका है, तो इसलिए हम एक बार देखिए रिकवरी पे जाके स्टक हो चुका है जी, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से भी आएगा डेटा बचाने के टैन नाम पे, देख सकते हैं अब ये टूल अपना काम कर रहा है। अगर हम डेटा बचाने के लिए हम इस तरह से इसको अगर जिम्मेवारी ले लेते या फिर इस तरह से हम काम कर रहे हैं और आगे ना बढ़ पाए या यहीं स्टक हो जाएगा तो फिर कस्टमर हमारे ऊपर चढ़ सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना कि डेटा बचाने की गारंटी बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप सेफ हो कोई ऐसा टूल जो पैटर्न ही रीड कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ काम
कर सकते हैं और मुंह मांगे पैसे ले सकते हैं। बट ऐसे कंडीशन में रिकवरी पे आगे स्टक हो जाना और फिर हम उससे पैसे मांगना वो भी कोई फायदा नहीं। तो हम अब एक काम करते हैं, इससे ये वाले टूल्स अपना काम नहीं कर पाया है प्रॉपर जो हमें चाहिए था, तो हम एक काम करते हैं इसके लिए ये क्या कहते हैं एक और टूल यूज कर लेते हैं। दूसरे टूल से हम ये ट्राई करते हैं कि वो कितना सक्सेस है। सक्सेस क्या है इसमें, देखिए अब ये रिकवरी में फंस गया तो हमारा ये काम बढ़ा सकता है ये, तो हम क्या करते हैं अभी देख सकते हैं आप पंडोरा बॉक्स है, इससे देखते हैं ये कितना हेल्पफुल है, क्या ये काम करके देगा वहीं से आगे या फिर रिकवरी पे ही ये भी स्टक करेगा। तो हम एक काम करते हैं, पंडोरा मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, भी बहुत अच्छा बॉक्स है डेटा बचाने के नाम पे, इससे भी बहुत सारे डेटो सेट का डेटा बचता है और बहुत सारा नहीं भी बचता है, ऐसे 100% गारंटी इससे भी नहीं लेते हम, लेकिन अच्छा टूल है ये भी। तो आप देख सकते हैं पंडोरा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पंडोरा को कैसे यूज करना ये भी दिख जाएगा इस बॉक्स में। तो आपने क्या करना है, आप पंडोरा को इंस्टॉल करना है, जैसे आप पंडोरा को इंस्टॉल करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन आएगा, देख सकते हैं ये रहा पंडोरा टूल करके। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, अब देखो रिकवरी पर ही स्टक हो चुका है। अब ये देखना कि क्या ये रिकवरी से आगे निकाल के देगा हमें नहीं देगा, वो चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं, और निकाल के देगा तो डेटा बचा के देगा या नहीं देगा ये चीज़ हमें भी देखना है। देखिए अब तो ऑन तो कर दिया इसने, देखो वाइपिंग भी स्टार्ट हो चुका है, बहुत टाइम लिया इसने लेकिन, तो मुझे लग नहीं रहा अभी पंडोरा की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो देखिए ऑन हो चुका है, अभी देखते हैं वाइपिंग प्रॉपर देता नहीं देता, और वाइपिंग भी की है तो इसने देखिए चाइनीज लैंग्वेज में की है आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर था हमारा लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में की है, आप देखते हैं कितना है, फिर भी वहीं स्टक हो चुका है देख सकते हैं। तो आप पंडोरा से देख लेते हैं एक बार, पंडोरा कनेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर, तो ये भी आपको टूल आइडिया मिल जाएगा इससे कैसे काम करना है पंडोरा। और पंडोरा आपको पता है अगर आप इस लाइन से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा टूल है, और बॉक्स भी आप परचेज कर सकते हैं, ये ऑनलाइन टूल भी परचेज करते हैं, तो दोनों में से आप दोनों बेस्ट हैं, ऑनलाइन लोगों थोड़ा कम पड़ेगा, ये चीज़ें एक साल के एक्टिवेशन के साथ है। देखिए अब ये बॉक्स इससे देख लेते हैं क्या कितना काम करके देगा, तो इससे भी डेटा बच आपका बच सकता है, बहुतों का बचाता भी है। तो आप यहाँ पे भी आप ये भी सेम इंटरफेस है, इसका भी थोड़ा सा इंटरफेस समझना पड़ेगा आपको, चाहे कोई भी टूल है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने जैसे ओप्पो में गए और इसका मॉडल नंबर डाल सकते हो, जैसे CPH कितना था 54 है इसका, तो 54 डाल दीजिए आप ऊपर में, तो 54 आप आ सकते हैं देख सकते हैं ओप्पो का। और डेटा बचाने के लिए देखिए यहाँ पे इंटरफेस देख सकते हैं, फॉर्मेट में आप देख सकते हैं वाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डेटा बचाने के लिए लॉक के ऑप्शन में जाएं, और यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड रीसेट सेफ, आप यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे काम बन जाएगा, काम जब ही बनेगा आपका जब ये पोर्ट कनेक्ट, देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह की आपकी कनेक्टिविटी होती है मीडियाटेक में, अगर प्रीलोडर बोर्ड बना रहा तो यहाँ पे, नहीं तो नॉर्मल ब्लूम मोड में आप कर सकते हो, जो नॉर्मल पोर्ट बनाते हैं मीडियाटेक USB पोर्ट वो ये यहाँ पे करना है, हमारा प्रीलोडर है तो इसलिए हम यहाँ पे टिक करते हैं, और यहाँ से हमने क्या करना है रीसेट पासवर्ड करके इस टूल से भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ स्टक हो चुका है अभी, उसने भी इतना ही काम करके दिया था फिर दोबारा यहीं स्टक हो चुका है, आप देखते हैं क्या ये टूल इससे आगे बढ़ा के देता है ये एरर जो आ रहा है इसके अंदर। अब प्लस माइनस से कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए वेट करें शायद कनेक्टिविटी ली नहीं इसने, हमने तीनों बटन प्रेस करना है अप डाउन और पावर, जैसे ऑफ हो जाए पावर रिलीज कर देना, अप डाउन प्रेस करके रखेंगे, देखो कनेक्टिविटी ले ली इसने, और उसके बाद आपने क्या करना है वेट करना है इसका काम होने का, वेट करें जब तक डंडा शो कर दे। देखिए रीसेट पासवर्ड डन, अब देखते हैं इससे कितना कारीगर साबित हुआ ये, देखिए रिकवरी मोड पे आ गया इसका भी, क्या इस टूल ने जो ये बग्स थे वो हटाए नहीं हटाए वो चीज़ देखना है इसमें। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर ले सकता है। देखिए यहाँ पे स्टक हो चुका है, और देखिए यहाँ पे ना कहीं पे इसका फिक्स रिकवरी का भी ऑप्शन नहीं है कि फिक्स कर सकें इसको हम, और इस टूल में तो नहीं है बिल्कुल ही। तो आप देख सकते हैं मैं दो टूल आपको मैंने दिखा दिया, और हम एक और टूल ट्राई कर लेते हैं UMT। खैर UMT
पंडोरा से कोई मुकाबला नहीं है ये, लेकिन फिर भी यूएमटी अपनी जगह बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा बॉक्स है। अब ये देख रहे हैं कि जो हम ये जो ऑप्शन आया है यूएमटी में, एक नया फंक्शन है फिक्स रिकवरी का, उसका भी आपको यूज चेक करके देख सकते हैं कि क्या ये फिक्स रिकवरी इस यूएमटी ने जो ऑप्शन दे रखा है वो काम का है या नहीं। तो अभी हमने इसको रिमूव कर दिया है पंडोरा को और सिर्फ यूएमटी डोंगल लगाया है। तो यूएमटी का हम इस वाले टूल से भी ट्राई कर लेते हैं, जो इसका एमटीके टूल है, इससे हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसने भी वही चाइनीज लैंग्वेज में किया वैपिंग पंडोरा ने, लेकिन इसने भी थोड़ा टाइम लेके किया था, देखते हैं सक्सेस है या नहीं है। देखिए इसने तो रिबूट कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता फिर अगर इसने रिबूट कर दिया तो इसकी यूएमटी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इसने काम कर दिया आप देख सकते हैं, और इसने भी अपना काम कर दिया है। अभी देखते हैं डेटा कितना परसेंट बचा के देगा हमको, तो यूएमटी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड रखते हैं। तो एक बार इसका डेटा देखते हैं कितना परसेंट बचा के देता है। ऑन होने लग गया हैंडसेट, तो देख सकते हैं इसने काम कर दिया है। आप पंडोरा कीमती है, और पंडोरा ने आप देख सकते हैं वाइप सेव फॉर्मेट कर तो दिया, लेकिन अभी डेटा बचाता है या नहीं बचाता है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। देखिए ये ऑन हो चुका है प्रॉपर, आप देख सकते हैं अब इसने डाटा कितना सेव किया वो देखो। देखो हमने अनलॉक टूल से काम किया, अनलॉक टूल ने अपना काम किया, लेकिन सेट रिकवरी मोड पे फंस गया जाके, वहाँ पे वाइपिंग की उसने, वाइपिंग लास्ट में जाके रुक गया, फिर रीस्टार्ट किया, फिर ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, फिर ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, बट फाइनली थोड़ा सा हमें डेटा का इसका वो था, तो हमने पंडोरा का यूज किया, पंडोरा ने अपना काम कर दिया प्रॉपर, थोड़ा वेट किया लेकिन काम कर दिया। हम चाह रहे थे इसकी रिकवरी आ रही तो यूएमटी से फिक्स करें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। आप देख सकते हैं आगे बढ़ा के देखते हैं, इसमें FRP मांगेगा ज़रूरी से, आप देख सकते हैं, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं FRP है या नहीं है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर ना पुराने ट्रिक तो काम करते नहीं है, एक बार मैं इसको वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट कर देते हैं, अब ये चेक कर लेते हैं इसमें घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। देखिए यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ जाता है अक्सर, लेकिन अभी इस वाले हैंडसेट में लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी में आता है किसी में नहीं आता है। तो ये देख लेते हैं इसमें FRP मांगेगा नहीं मांगेगा, वो चीज़ चेक कर लेते हैं आगे। अपडेटिंग चल रही है, थोड़ा वेट करें, किसी किसी सेट में इनमें आगे बढ़ाने में भी टाइम लग जाता है, आपकी वाईफाई की स्पीड के अनुसार काम करेगा। थोड़ा सा अगर पहली बार में अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो एक बार इसको बैक करके फिर आगे बढ़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम से गूझना पड़ सकता है आप लोगों को भी, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी वीडियो फुल करके दिखाई है, कोई भी कट नहीं किया, ताकि आपको अगर जो टेक्नीशियन है उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए सारी चीज़ें से मैंने पड़ाव पार किया है आपको। बाकी बहुत सारे जो मैंने आपको बताया था कि नए हैंडसेट हैं जैसे रेडमी के या उनके डाटा, इनसे ना इससे बचेगा ना ही आपका पंडोरा वगैरह काम आएगा, तो आपको अगर वो हैंडसेट है उनका काम सीखना है कैसे आपको विदाउट डेटा लॉस काम करना है, क्योंकि देखो इनकम उन्हीं में ही है। बहुत सारे कस्टमर, 10 में से 2 कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया पैसे आप जितना मर्जी ले लें लेकिन डेटा बचा के दो, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको हम जो ये कहाँ पे काम सिखाएंगे सॉफ्टवेयर का प्रॉपर नॉलेज देते हैं हर चीज़ की, का आपको अगर इस तरह के कस्टमर आकर कैसे हैंडल करना है, पूरा पैटर्न ही हम आपको बता देंगे कि कैसे रीड किया है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको मेथड। थोड़ा वेट करें इसका, देखिए अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आप डायरेक्ट FRP भी हटा सकते हैं, चाहे पंडोरा से हटाएं चाहे इससे हटाएं। तो हम क्या करते हैं अनलॉक टूल से FRP हटा लेते हैं, ताकि टाइम भी ज़्यादा ज़्यादा जाया ना हो, एक बार इंतज़ार कर लेते हैं। देखिए चेकिंग फॉर अपडेट पे आ गया है, क्योंकि टाइम ज़्यादा खाने लग जाता है, थोड़ा वेट करें ताकि आपको भी दिख जाए इसके अंदर FRP है नहीं है वो भी पता चल जाएगा।
देखिए हम आप क्या करते हैं, इसको देखो डॉट कॉपी कर लेते हैं। इसको आप देख सकते हैं मेन मेनू ओपन होने वाला है इसका। और अब हम ये चेक करते हैं कि डेटा इसने क्या क्या बचाया, अगर बचाया है तो ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसकी गैलरी पे, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि जब भी फ़ोन ऑन होता है तो टाइम ज़रूर ज़्यादा लेता है। तो बार इसको ऑन होने दीजिए, पूरा देख सकते हैं, फ़ोटो पे जाके देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। तो इसके थे जो नॉर्मली आते हैं इसके फ़ोन के साथ वही रहेंगे, उसके अलावा जो अदर ऐप होते हैं वो सब उड़ जाएंगे। अब बात करते हैं डेटा की, फ़ोटो देख लेते हैं गैलरी में कितने परसेंट आए हैं नहीं आए। देखिए फ़ोटो इसने प्रॉपर बचा दिए हैं, डेटा आप देख सकते हैं, और कुछ की पर्सनल चीज़ें इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाएंगे, आप दूर से देख सकते हैं। डेटा इसने सेव कर दिया है, डेटा इसने बचा दिया है। तो आप इस तरह से डेटा बचा सकते हैं इस टूल से। क्या कहते हैं, अगर आपका फ़ोन इस तरह से रिकवरी पर अटक जाता है, आपके पास दूसरे टूल होने कंपलसरी हैं, नहीं तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं हो रहा तो फिर आपको फ्लैश करना पड़ सकता है। तो डेटा की अगर आप जिम्मेवारी लोगे, एक टूल के सहारे लोगे तो अटकोगे। इसीलिए ध्यान रखना, जब आप हमसे आते हैं, हमारे पास कोर्स करते हैं, तो हम बहुत सारे टूल से आते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पंडोरा भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में इजी अटैक भी है हमारे पास। उसके अलावा आप डिस्प्ले पे मैं आपको टूल दिखा देता हूँ, हम हर तरह के टूल सिखाते हैं आपको यहाँ पे, चाहे वो चिमरा हो, क्या काम करता है, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, TFM की ज़रूरत क्या कब पड़ती है, आपको पंडोरा की ज़रूरत कब पड़ती है, DFT की ज़रूरत कब पड़ती है, जितने भी टूल आप देख रहे हैं, ग्रिफिन क्या होता है, EMT क्या होता है, कब किस क्या ज़रूरत पड़ती है, सारे टूल हम सिखाएंगे। देखिए परचेज़ करना ना पड़ना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके जो कस्टमर है वो रिटर्न नहीं जाने चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर जितने टूल हम यहाँ पे सिखाते हैं AK इन्फो के अंदर, वो मार्केट में आप कहीं भी घूम लेना, कोई नहीं सिखाएगा। एक दो टूल सिखा देंगे, कुछ इंस्टीट्यूट वाले तो टूल के नाम से पैसा और ऐड लेते हैं और आपको कुछ नहीं सिखाते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे इतने टूल आपको सिखाएंगे कि आपके हैंड पास से रिटर्न नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे हैंडसेट हैं जो ऑनलाइन फ्लैशिंग होते हैं, तो कुछ ऐसे टूल हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं पता आपको, तो हम ये वो भी बताएंगे कि ऑनलाइन कौन कौन से हैंडसेट है। आपको डिपेंड नहीं रहना किसी पे कि हाँ सर वो सर्विस सेंटर वाला बंदा आएगा तो मैं काम करूँगा तो मेरा काम होगा, ऐसा नहीं है सर। आपको हम इतना काम सिखा देंगे, खुद क्रेडिट डालो, खुद यूज करो आप काम, आप डिपेंड नहीं रहना। तो इस तरह से हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। आप देख सकते हैं ये हमने विदाउट डेटा लॉस अनलॉक किया है, और इससे पहले हमने बहुत सारे हैंडसेट भी अनलॉक किए, MI वगैरह के, Redmi वगैरह के, जो नहीं होते हैं मार्केट में, मना कर देते हैं डेटा नहीं बचेगा उड़ेगा, बट हम बचा के देंगे आपको। तो आप नीचे जो दिए हुए नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, नेक्स्ट वाला जो बैच हमारा उस पर अपनी सीटें बुक करवा सकते हैं, और आगे आपके लिए इस तरह के कई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।